गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल टुडेज मैथ क्लास. टुडे वी हैव लर्न अबाउट सब्ट्रैक्शन. आज हम अपनी मैथ्स क्लास में सब्ट्रैक्शन स्टडी करेंगे. ओके लेट वी स्टार्ट. ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपनी मैथ्स क्लास में सब्ट्रैक्शन करेंगे जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे. ठीक है, ये हमारे सब्ट्रैक्शन चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं. ओके नाउ आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. Without borrowing, borrowing means मतलब हम लोग आज subtraction करेंगे without carry, जिसमें हमें carry की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है students, तो सबसे पहले topic start करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि subtraction मतलब क्या होता है. What do you mean by subtraction? Subtraction means finding the difference between two numbers. जब हम दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमारा वो क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन. फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्ट 42,102 फ्रॉम 87,632. अब आपके सामने टू नंबर्स हैं, हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको जब भी नंबर्स अरेंज करके दे दिए जाते हैं तो आप आसानी से कर लेते हो, लेकिन मोस्टली बच्चे इनको अरेंज करने में मिस्टेक कर देते हैं. तो आपको मिस्टेक नहीं करनी स्टूडेंट्स. जब आप फ्रॉम लिखा है तो ये पहचान है कि फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो हमेशा हमारा ऊपर लिखा जाएगा. उसका मतलब होता है कि फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है ना उसमें से फर्स्ट नंबर को माइनस करना. या आप ऐसे भी पहचान कर सकते हो, देखो सब्ट्रैक्ट में हम लोग बड़ा नंबर बिगर नंबर जो होता है वो हमेशा हम ऊपर लिखते हैं, देन स्मॉलर नंबर उसके नीचे राइट डाउन करते हैं. ओके तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको एडिशन में भी बताया है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेसेस राइट डाउन करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 5 डिजिट का है तो इसका मतलब यहाँ पे 10,000 की प्लेस भी है. देन बिगर नंबर कौन सा है हमारा, हम लोग डिजिट कौन सी साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से. वेरी गुड, 2, 3, 6, 7, 8. नाउ स्मॉलर नंबर 2, 0, 1, 2, 4. क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. ये सब्ट्रैक्शन का साइन होता है. ठीक है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट भी राइट हैंड साइड से ही करेंगे. ठीक है, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 6 में से 1 गया 5, देन 7 में से 2 गया 5, देन 8 में से 4 गया 4. तो हमारा आंसर क्या आया, 45,530. ठीक है, तो जब हमने इन दो नंबर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करा तो ये क्या कहलाया, सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो और एक और स्टूडेंट्स, इसमें जो बिगर नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो आपने अपनी पहले प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया होगा, क्या कहते हैं, मिनंट. वेरी गुड, MINUENT. मिनंट होता है हमारा बिगर नंबर. देन स्मॉलर नंबर को क्या बोलते हैं हम, सब्ट्रैहेंड. क्या स्पेलिंग होती है सब्ट्रैहेंड की, SUBTRAHEND. सब्ट्रैंड मीन्स जिसको हम माइनस कर रहे हैं. जब हम मिनंट माइनस सब्ट्रैहेंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिफरेंस. ओके गॉट इट स्टूडेंट्स. ओके लेट वी मूव. अब हमारे सब्ट्रैक्शन में कुछ फैक्ट होते हैं जिन्हें हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है सब्ट्रैक्शन की, When zero is subtracted from a number, we get the number itself. जब हम किसी नंबर में से ज़ीरो को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर सेम नंबर आ जाता है. ठीक है, जैसे 2 - 0 = 2, 5 - 0 = 5. गॉट इट.
नाउ सेकंड फैक्ट होता है व्हेन अ नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट ज़ीरो। जब हम किसी नंबर में से सेम नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 8216 को जब मैंने 8216 में से माइनस करा तो हमारा आंसर क्या आया, ज़ीरो। और जैसे 5 - 5 = 0, 2 - 2 = 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फैक्ट, व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर वी गेट इट्स प्रेडिसर। जब हम किसी नंबर में से 1 को माइनस करते हैं तो हमें उस नंबर का प्रेडिसर मिलता है, मीन्स बिफोर नंबर, ठीक है। जैसे 5 - 1 = 4, 6 - 1 = 5, 8216 - 1 = 8215, got it। Now next fact, we cannot subtract a bigger number from a smaller number। हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। देखो हम लोग 6 - 5 तो कर सकते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, 1, लेकिन हम लोग 5 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट फैक्ट क्या था, जब हम किसी नंबर में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा सेम नंबर आएगा, ठीक है। सेकंड फैक्ट था, जब हम किसी नंबर में से सेम नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। देन थर्ड फैक्ट था, जब हम किसी नंबर में से 1 को माइनस करते हैं तो हमें उस नंबर का प्रेडिसर मिलता है, ठीक है, मीन्स बिफोर नंबर। देन फोर्थ फैक्ट था कि हम लोग छोटे में से बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व एंड आइडेंटिफाई द मीन एंड सबट्रैहेंड एंड डिफरेंस राइट इन द गिवन टेबल, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आइडेंटिफाई पहचानना है कि मिनंट कौन सा है, सबट्रैहेंड कौन सा है एंड डिफरेंस, देन उसको इस टेबल में राइट डाउन करना है, ठीक है। देन फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं आपको हर एक क्वेश्चन के 2-2 parts करके दिखाऊंगी ओनली, ओके। देन फर्स्ट क्वेश्चन है 57,487 - 26,312। तो देखो इसमें हमारा बड़ा नंबर क्या है, मिनंट है, देन छोटा नंबर सबट्रैहेंड। तो मैं सबसे पहले प्लेसेस राइट डाउन करेंगे हम, देन इसको सबट्रैक्ट करेंगे, 7, 8, 4, 7, 5, देन 2, 1, 3, 6, 2, क्या करना है, माइनस, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गया 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारा मिनंट है, ये सबट्रैहेंड है और ये डिफरेंस आ गया, गॉट इट। सेकंड नंबर देखो स्टूडेंट, सेकंड नंबर पे आई हैव नो स्पेस, तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, 68,716 - 32,405। तो सेम पैटर्न में यूज़ करूँगी, सबसे पहले मैं अपनी प्लेसेस राइट डाउन कर रही हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप प्लेसेस में थोड़ा थोड़ा गैप भी दोगे जिससे आपको समझ आए, ठीक है। देन बिगर नंबर को मैं ऊपर लिखूँगी, 6, 1, 7, 8, 6। देन सेकंड नंबर है 5, 0, 4, 2, 3, देन माइनस का साइन, 6 में से 5 गई 1, 1 में से 0 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया 3। तो हमारा आंसर क्या आया, 36,311। अब इस क्वेश्चन में हमारा मिनंट ये है, देन सबट्रैहेंड ये है, देन जो हमारा आंसर आया वो क्या है, डिफरेंस, गॉट इट। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 2 questions करके दिखा दिए, आपको ये 2 questions अपने आप करने हैं, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, सबट्रैक्ट द नंबर्स। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी प्लेसेस भी लिखी है, नंबर्स भी लिख रखे हैं, आपको क्या करना है, ओनली सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। लेट मी स्टार्ट, 2 में से 2 गया 0,
थ्री में से ज़ीरो गया थ्री, फाइव में से वन गया फोर, सिक्स में से थ्री गया थ्री, देन सेवन में से फोर गया थ्री। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 33,430। सेकेंड, फाइव में से फोर गया वन, एट में से थ्री गया फाइव, देन वन में से वन गया ज़ीरो, टू में से ज़ीरो गया टू, देन सिक्स में से टू गया फोर। तो हमारा आंसर क्या आया 42,051। ओके, नाउ थर्ड, सेवन में से टू गया फाइव, देन नाइन में से फाइव गया फोर, फाइव में से थ्री गया टू, ज़ीरो में से ज़ीरो ज़ीरो, देन थ्री में से टू गया वन, फोर में से वन गया थ्री। तो हमारा आंसर क्या आया 3,10,245। नाउ नेक्स्ट, टू में से ज़ीरो गया टू, फाइव में से फोर गया वन, देन थ्री में से वन गया वन सॉरी टू, देन सिक्स में से टू गया फोर, एट में से फाइव गया थ्री, देन नाइन में से सेवन गया टू। तो हमारा आंसर क्या आया 2,34,212। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, चेंज टू नंबर्स एंड सॉल्व, राइट द आंसर इन वर्ड्स। आपको क्या करना है, इस नंबर नेम को नंबर्स में चेंज करना है और सॉल्व करना है, और जो भी इनका आंसर आएगा उसे वर्ड्स में राइट डाउन करना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। देखो 35,000, ठीक है, 35,735 माइनस 24,301। ठीक है, आपको देखो नंबर मिल गया, आपको क्या करना है सॉल्व। तो सबसे पहले प्लेसेस राइट डाउन करेंगे हम, देन राइट हैंड साइड से नंबर को राइट करेंगे, 5,37,53,10,342 माइनस 5 में से 1 गया 4, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 3 गए 4, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गए 1। तो आपका आंसर क्या आया 11,434। अब आपको इस आंसर्स को वर्ड में लिखना है। ठीक है, वर्ड्स मीन्स आपको उस आंसर की नंबर नेम लिखनी है। तो हमारा आंसर क्या आया था 11,434। तो हम इसकी नंबर नेम कैसे लिखेंगे, 11,434। Got it? Now students, मैं आपको B और C के इक्वेशन बना के दे देती हूँ, आपको इसे खुद सॉल्व करना है। देखो सेकेंड है हमारे पास 57,692 माइनस 34,351। ठीक है, देन सी पार्ट है 4 लाख, इसका मतलब लाख की, देखो एक और स्टूडेंट एक और तरीका है, अगर यदि आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बना सकते तो आप सबसे पहले प्लेसेस राइट डाउन कर लो। अब आपको देखो यहाँ दिखाई दे रहा है सी में 4 लाख, इस मीन्स यहाँ पर लाख प्लेस भी होएगी, देन उसके बाद हमारी कौन सी होती है 10,000, फिर 1,000, देन 100, टेंस वंस। ठीक है, तो देखो 4 लाख, लाख की प्लेस पर मैंने 4 लिख दिया, 59,059, देन 304, अब टेंस पे कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो लगाएंगे, ऑलरेडी आप फर्स्ट यूनिट में कर चुके हो ये, देन माइनस का साइन 1 लाख, लाख के नीचे 1 लिख दिया, 26,000, देन 102। ओके, तब आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। गॉट इट, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको सब्ट्रैक्शन करते समय दो चीज़ें ध्यान में रखनी हैं कि हमेशा हमें नंबर्स को राइट हैंड साइड से राइट डाउन करना है। ठीक है, और हमारे सब्ट्रैक्शन में 3 चीज़ें होती हैं, जो हमारा बिगर नंबर होता है वो मिनंड होता है, देन स्मॉलर नंबर सब्ट्रैहेंड। ठीक है, जब हम मिनंड माइनस सब्ट्रैहेंड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, जो हमारा आंसर निकलता है हम उसे डिफरेंस बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.1 आपको सेंड करूँगी,
आपको उसे अपनी फेयर नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग विद प्रॉपर फॉर्मेट, एक अच्छे फॉर्मेट के साथ अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है, ठीक है। और उन क्वेश्चन को एक बार दोबारा अपनी रफ नोटबुक के अंदर रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, जो भी आप मैथ का काम करते हो, प्लीज़ उसे रफ नोटबुक में ज़रूर रिवाइज करो। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे पास कॉल भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, गुड बाय।